हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2020 के सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन आए, इस संबंध में आपको जानकारी दे रहा हूँ। यूके स्टेट नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग 2020 के लिए नोटिफिकेशन आया है। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग गवर्नमेंट नॉन मेडिकल कॉलेज कैंपस देहरा खास, तो यहाँ पे शेड्यूल फॉर सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन आया है। इस संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और अदर स्टेट्स के लिए होने वाले बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम आदि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, उस संबंध में आपको जानकारी दे रहा हूँ। उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग 2020 4 स्टेट कोटा सीट्स ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग एनपीसीसी एएनएम जीएनएम एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज। रिवाइज्ड शेड्यूल फॉर सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है इसका जो रिवाइज शेड्यूल है इसके लिए जानकारी है। यहाँ पे मैं आपको इसकी डेट्स बता रहा हूँ। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड सेकंड, ये 19/12/2020 आफ्टर 11 PM पे ये डिस्प्ले हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड चॉइस फिलिंग बाय न्यू कैंडिडेट्स एंड ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग बाय फर्स्ट राउंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर सीट अपग्रेडेशन 19/12/2020 after 11 PM to 22/12/2020 till 11 PM. However, already registered candidate need not to be paid the registration fee again. Data processing 23/12/2020 to 24/12/2020. Declaration of result ANM, declaration of result GNM, declaration of result BSc nursing, declaration of result post basic BSc nursing, MSc nursing, NPCC. BSc Paramedical and other paramedical courses 25/12/2020 after 8 PM. Last date of joining the allotted college 29/12/2020 up to 5 PM. Note है यहाँ पे all relevant information regarding counselling will be uploaded on website only. No personal information will be sent. This schedule can be updated by the Government of Uttarakhand Counselling Board if required, so kindly visit university website regularly for any updates. Separate instructions will be uploaded by the university website for the specific round of counseling. Controller of examination की तरफ से ये notification है। Online mop up round counseling only for government nursing paramedical colleges. तो यहाँ पे activity और dates हैं। Display of seat matrix of mop up round on university website. Dates 29/12/2020 10 PM. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी सबमिशन मॉपअप रजिस्ट्रेशन फी ₹500 डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एंड चॉइस फिलिंग बाय ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम 29/12/2020 10 PM टू 30/12/2020 अप टू 5 PM. डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 30/12/2020 आफ्टर 10 PM. लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग द अलॉटेड कॉलेज 31/12/2020. नोट है ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट ओनली. नो Personal information will be sent. This schedule can be updated by the Government of Uttarakhand / Counselling Board if required. So kindly visit university website regularly for any updates. Separate instruction will be uploading by the university website for the specific round of counselling. तो यहाँ पे HNB Medical University की तरफ से जो apply for counselling second round के लिए notification आया है, schedule इसके बारे में जानकारी दी गई है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर सेकंड राउंड काउंसलिंग। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी बता देता हूँ। उत्तराखंड ANM GNM BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल काउंसलिंग 2020 की ऑनलाइन काउंसलिंग द्वितीय चरण प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों के लिए नियम शर्तें एवं महत्वपूर्ण निर्देश। द्वितीय चरण काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता। उत्तराखंड नर्सिंग पैरामेडिकल 2020 राज्य केंद्रीकृत काउंसलिंग की द्वितीय चरण काउंसलिंग में इच्छुक अर्ह निम्न अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रथम चरण में पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम काउंसलिंग चरण में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई हो, ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में आवंटित सीट पर निर्धारित समयगत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो और द्वितीय चरण में सीट अपग्रेडेशन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हों, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में आवंटित सीट पर निर्धारित समयगत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण न की हो और द्वितीय चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हों, ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण काउंसलिंग में पंजीकरण न कराया हो और द्वितीय चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हों। यदि प्रथम चरण में पंजीकृत हुए अभ्यर्थी द्वितीय चरण काउंसलिंग की प्रक्रिया में अब सम्मिलित न होने के इच्छुक हों अथवा अपनी पूर्व प्रवेशित सीट से संतुष्ट हों तो उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे द्वितीय चरण काउंसलिंग हेतु पुनः पंजीकरण चॉइस फिलिंग ना करें, जिससे इस सीट को किसी अन्य अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी को मेरिट के क्रम में नियमानुसार आवंटित किया जा सके और सीट ब्लॉकिंग जैसी कुप्रथा को भी रोका जा सके। समस्त नर्सिंग पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं कॉलेज का आवंटन उत्तराखंड ANM GNM BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एवं BSc पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षाएं 2020 के परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर पाठ्यक्रमवार ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। ANM GNM BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एवं BSc पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की राज्य कोटे की सीटों में राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश हेतु संबंधित अभ्यर्थी केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन कर सकेगा जिस पाठ्यक्रमों विशेष की राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा में वह सम्मिलित हुआ हो। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु नियम व शर्तें निम्नवत हैं। पहला, उत्तराखंड ANM GNM BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। तो यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण जानकारी है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, ये सभी महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारियाँ बताई गई हैं। तो जो कैंडिडेट्स काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं वो इसमें ये सभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया, तिथियां, समय एवं काउंसलिंग संबंधी अन्य जानकारियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट hn.ac.in पर विभिन्न लिंकों के माध्यम से अपलोड की गई हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। तीसरा है भविष्य में काउंसलिंग संबंधी अद्यतन सूचनाएँ अपडेटेड समय समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही अपलोड की जाएंगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना नहीं भेजा जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन अवश्य करते रहें। मात्र उत्तराखंड ANM GNM BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण होने से ही अभ्यर्थी का नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन एवं प्रवेश संबंधित पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में उसकी मेरिट, चुने गए संस्थान के विकल्प उत्तराखंड ANM GNM BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 की सूचना विवरणाओं में प्रकाशित अर्हताओं, आरक्षण के नियमों इत्यादि की काउंसलिंग की तिथि तक अद्यतन प्राविधानों शर्तों के अंतर्गत होगा। पांचवा, उत्तराखंड ANM GNM BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC पोस्ट बेसिक BSc पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों जिनके द्वारा नियमानुसार काउंसलिंग हेतु पंजीकरण करवाया गया हो को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से संबंधित पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में उनकी अर्हता, मेरिट, उनके द्वारा चुने गए विकल्प, चॉइस एवं उस समय उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों के आधार पर निम्नानुसार सीट आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड ANM GNM BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एवं BSc पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिए संबंधित काउंसलिंग चरण हेतु निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार ऑनलाइन काउंसलिंग धनराशि ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगी। एएनएम पाठ्यक्रम हेतु ₹1000, जीएनएम हेतु 1000, बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम 1500, एमएससी नर्सिंग एनपीसीसी नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु 1500, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु 1500, बीएससी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु 1500। तो यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है कि उत्तराखंड के जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2020 है, इसकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जो शेड्यूल्ड है ये वेबसाइट पे अवेलेबल है और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं ये अवेलेबल हैं। तो जो कैंडिडेट्स सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम आदि की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।